नमस्कार। अब उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर इस बात का आकलन हो रहा है कि जयंत चौधरी के पाला बदलने के बाद कितना नफा किसको और कितना नुकसान किसको, क्योंकि वो एक बड़ी राजनीतिक घटना है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संतुलन के हिसाब से, समीकरणों के हिसाब से। समाजवादी पार्टी दो स्थितियों का आकलन कर रही है। एक, जयंत चौधरी के चले जाने के बाद जाट डोमिनेंस वाले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साइकिल की स्थिति और परिस्थिति क्या रहेगी, क्योंकि पश्चिम में समाजवादी पार्टी कभी मजबूत नहीं रही, कभी नहीं। पश्चिम उसका गढ़ कभी नहीं रहा, मुलायम सिंह जी के समय में भी नहीं रहा। और अब जिस ढंग से जयंत चौधरी ने चुनाव से ठीक 50-60 दिन पहले सपा को छोड़कर एनडीए की ओर रुख किया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला और आज जयंत चौधरी ने कह दिया कि मेरा दिल जीत लिया मोदी ने, तो स्थितियां बदल गई। और दूसरा समाजवादी पार्टी के लिए आकलन का विषय ये कि आरएलडी के अलग होने के बाद अचानक से कांग्रेस उस पर दबाव क्यों बढ़ा रही है। जी हां, जब आरएलडी सपा के साथ थी तो कांग्रेस का स्वर धीमा था, नीचा था। आरएलडी गई, कांग्रेस का स्वर ऊंचा हो गया, तीखा हो गया। अब वो कहीं कह रहे 20 चाहिए, कहीं कह रहे 25 चाहिए सीट, इससे कम पर बात नहीं। क्या समाजवादी पार्टी की ये जो इस वक्त स्थिति है उसका कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस भी अब ये जान रही कि समाजवादी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि अकेले चली जाए, और अकेले चली जाएगी तो चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाएगा फिर तो उत्तर प्रदेश में, भाजपा सपा बसपा कांग्रेस, फिर तो स्थितियां बहुत ही विचित्र हो जाएंगी। मुस्लिम वोट का फैक्टर भी है, समाजवादी पार्टी के लिए तो विचित्रतम स्थिति पैदा हो जाएगी। 27 में उसको लोकसभा विधानसभा चुनाव में दावेदारी करनी है, इसलिए कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अब सपा के पास विकल्प पर बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए यही मौका है जब समाजवादी पार्टी को अड़दब में लिया जा सकता है। आप सोचिए, अखिलेश यादव ने पहले जयंत चौधरी के साथ अपनी फोटो डाली थी और कहा था 7 सीटें तय हो गई और अब जीत की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, बाद में कांग्रेस का नंबर आया। जयंत चौधरी कहते भी थे कि हमारा अलायंस सपा से है, कांग्रेस को हम नहीं जानते, तो उस नाते गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का अपर हैंड था कि भाई इनके साथ आरएलडी भी है इनके पीछे। सपा कोई बात कहती थी तो उसको माना जाता था सपा प्लस आरएलडी। अब कांग्रेस जान गई कि समाजवादी पार्टी से आरएलडी हट गई। अब जब अकेली है साइकिल तो फिर तो कांग्रेस ने रुख बदल दिया। और भारत दूसरे हाथ पर भारतीय जनता पार्टी भी इस आकलन में लगी हुई है कि जयंत के आने के बाद कितना और कहां तक राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। वो अपने तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जाट बहुल इलाके हैं, वहाँ उसने अपने संगठन के लोगों से कहा कि भाई इस बात का अनुमान लगाइए, इस बात की थाह लगाइए कि जमीन पर इस बदलाव को कैसे देखा जा रहा है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न को लेकर गांव देहात में क्या प्रतिक्रिया है, खासतौर पर जाट समुदाय में, और दूसरा जयंत के इधर आने से क्या बदलाव दिख रहा है आपको जमीन पर। भाजपा इसका आकलन कर रहा है, इसीलिए उसने आरएलडी को बहुत ज्यादा लोकसभा सीटें देने में हामी नहीं भरी, उसने कहा 2 सीटें लीजिए और लड़िए, लेकिन हमारे सहयोग से लड़ेंगे तो आप दोनों जीत जाएंगे, ये ठीक।
और राज्यसभा के लिए भी अब कहा जा रहा है कि 2+1 का जो फॉर्मूला बताया गया था आरएलडी के साथ, उसमें 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा, तो कहा जा रहा है कि जयंत बाबू लोकसभा लड़ाए, जीते, राज्यसभा छोड़े, फिर जो राज्यसभा की सीट इनके छोड़ने से रिक्त होगी वो आरएलडी अपना उम्मीदवार खड़ा करे, भाजपा सपोर्ट करके जिता देगी। सोचिए, फॉर्मूला समझ रहे ना, जयंत लोकसभा चुनाव लड़े, जीते, जीतकर राज्यसभा की सीट छोड़े, वो राज्यसभा वैकेंट होगी, उपचुनाव होगा, उस उपचुनाव में आरएलडी अपना उम्मीदवार खड़ा करे, भाजपा उसको सपोर्ट करके जितवा देगी, सदन में पहुंचा देगी। अपने कोटे से नहीं दे रही भाजपा सीट अभी। तो आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी भी अभी आकलन करने की मुद्रा में है कि तेल देखो, तेल की धार देखो, सारे पत्ते अभी मत खोलो, देखो जयंत का मसला कितना चल रहा है जमीन पर। फिर जिस हिसाब से परिस्थितियां दिखें उस हिसाब से फिर समय आरएलडी के साथ भविष्य के रिश्तों को लेकर एक सहमति बनाई जाए। फिलहाल आप सोचिए, न्यूनतम से भाजपा ने भी शुरुआत की, 2+1, और 1 भी कैसे, राज्यसभा कैसे, आप छोड़ेंगे वो। पहले समाजवादी पार्टी ने जयंत को पहुंचाया राज्यसभा, अब भाजपा ने कहा है कि आप छोड़ दीजिएगा तो हम आपके उम्मीदवार को पहुंचा देंगे राज्यसभा, वो उम्मीदवार आपकी पत्नी हो या कोई हो, ये है सियासत। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आरएलडी की धराने के बाद आज जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों मिलकर ग्राम यात्रा करके, भाजपा का एक अभियान है चलो गांव की ओर, जैसा समझ सकते हैं आप अभियान उसको, गांव गांव जाए यात्रा, गांव की नब्ज को थामे, पहचाने, देखे और पढ़े। उस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे योगी और नड्डा, यानी पश्चिम से भाजपा खुद भी सक्रिय है पूरे तौर पर। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो चुनावी अभियान का श्री गणेश किया वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किया, बुलंदशहर के मैदान से, और आज भाजपा के अध्यक्ष नड्डा और योगी भी मुजफ्फरनगर से ये शुरुआत कर रहे हैं जो जाट बहुल इलाका है। तो दो स्थितियां समझिए, सपा ये आकलन कर रही है कि आरएलडी के जाने के बाद कितना नुकसान, कहां तक नुकसान, और भाजपा ये आकलन कर रही है कि आरएलडी के इधर आने के बाद कितना फायदा, किस स्तर का फायदा, और क्या इसका असर, चरण सिंह जी को भारत रत्न देना और आरएलडी के इधर आने, क्या इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे उन इलाकों में भी हो सकता है जहां के कुछ पॉकेट्स में जाट आबादी की बहुलता है। तो जयंत धुरी हैं, उनके इधर उधर हिलने डुलने से जो परिस्थितियां बदली हैं उनके नफे नुकसान का दौर चल रहा है। धन्यवाद।